हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि बायोलॉजी में शुक्राणु क्या है और इसका सचित्र वर्णन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में लगभग आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पर्म इन हिंदी, स्पर्म या शुक्राणु पुरुषों में प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, रिप्रोडक्शन सेल्स होती हैं, जिसे एक व्यक्ति की उत्तेजना के समय वीर संबंधी तरल या वीर्य के साथ निष्कासित किया जाता है। मनुष्य में शुक्राणु बच्चे के लिंग निर्धारण को निर्धारित करते हैं। यह लेखन में आप जानेंगे शुक्राणु क्या है, शुक्राणु कैसे बनता है, शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु के कार्य। बच्चों, जब उत्तेजना के समय जो तरल संबंधी पदार्थ बाहर निकलता है उसी को हम लोग शुक्राणु कहते हैं या उसको वीर्य कहते हैं। वीर्य जो होता है बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है कि आने वाली संतति लड़का होगा कि या लड़की। जिसमें जो शुक्राणु का कार्य निषेचन की क्रिया के दौरान अंडाणु कोशिका को निषेचित करना होता है, मतलब शुक्राणु निकल के स्त्री की कोशिका में अंडाणु कोशिका में जाकर उसको निषेचित करे। और गर्भावस्था बच्चों 9 महीने का होता है, आप लोगों को पता ही होगा। गर्भ में भ्रूण के विकास होने से एक नए जीव जिसे युग्मनज कहते हैं, युग्मनज या गैमीट कहते हैं जिसको, का निर्माण करता है। मानव शुक्राणु कोशिकाएं हैप्लोइड है, जिसका अर्थ है जिनमें 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव की कोशिकाएं हैप्लोइड है जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 जोड़े। देखिए बच्चों, गुणसूत्र की संरचना कुछ ऐसे है, आगे उसका शीर्ष भाग होता है, बीच में मध्यमा और लास्ट में पुंछ भाग होती है। इसमें माइटोकांड्रिया, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली, एक्रोसोम, अच्छी तंतु आदि बने होते हैं। आप इस चित्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों देखिए, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो ऐसे होता है, अंडाणु वो गोला वाला है, शुक्राणु ये होता है। अंडाणु स्त्री में पाया जाता है और शुक्राणु वृहत मनुष्यों में पाया जाता है या लड़कों में पाया जाता है। और बच्चों, ये जो बच्चों आप देख रहे हैं, शुक्राणु के प्रमुख कार्य जो होते हैं, शुक्राणु के प्रमुख कार्य होते हैं पौत्रिक, मतलब अनुवांशिक सामग्री का निर्वाह या अनुवांशिक लक्षणों को इधर उधर करना। और दूसरा कार्य है कि अंडाशय की सक्रियता, सक्रिय करना होता है, अंडाशय को सक्रिय करना होता है। अंडाशय कैसे सक्रिय होगा, चलता रहे हरदम। बच्चों में लिंग निर्धारण करता है शुक्राणु, और बच्चों में जब लिंग निर्धारण कर लेता है और अंडाणु कोशिका के साथ मिलकर एक नए जीव या जाइगोट का निर्माण करता है, वही शुक्राणु कहलाता है। तो प्लीज़ बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू बच्चों, आप बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। थैंक यू बच्चों, हेलो।